राजा साहब, ओ राजा साहब, जागिए ना राजा साहब, जरा जागिए ना राजा साहब। निद्रा से जागने का समय आ गया है राजा साहब, क्योंकि जनता है परेशान, आम लोगों में मची है हाहाकार। ठीक सुना राजा साहब, क्योंकि अब जागने का समय आ गया है, क्योंकि जिस जनता ने आपको राजा बनाया था वो जनता परेशान है। कैसे परेशान है इसके बारे में पहले हम आपको बताएंगे कि इस बोकारो शहर में क्यों मचा है हाहाकार, क्यों बेरमो में मचा है हाहाकार, क्यों चंदन क्यारी में मचा है हाहाकार, क्यों बोकारो में मचा है हाहाकार, क्यों बोकारो के गलियों और गांव में मचा है हाहाकार। राजा साहब, और राजा साहब, जागिए ना राजा साहब। चंद्रपुरा प्रखंड के सिजुआ गांव के लाभुकों का काटा जा रहा है ढाई ढाई किलो अनाज। राजा साहब, और राजा साहब, जागिए ना राजा साहब। तांत्री पंचायत के तोताडी गांव में ग्रामीणों को नहीं मिला 2 महीनों से अनाज, ग्रामीण कर रहे हैं शिकायत। राजा साहब, और राजा साहब, जागिए ना राजा साहब। चंदन क्यारी के 2 पंचायतों से पहुंचे लाभुक प्रखंड कार्यालय घेराव करने, 2 महीनों से नहीं मिला है राशन। राजा साहब, और राजा साहब, जागिए ना राजा साहब। चास के भंडरो पंचायत के ग्रामीणों ने एसडीओ को लिखा पत्र। राजा साहब, और राजा साहब, जागिए ना राजा साहब। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मचा है बोकारो में हाहाकार और किन मुद्दों को लेके मचा है हाहाकार। आखिर क्यों बेरमो विधानसभा, चंदन क्यारी विधानसभा और बोकारो विधानसभा के जो ग्रामीण हैं वो प्रखंड कार्यालय पे पहुंच रहे हैं और धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों मैं कह रहा हूं कि राजा साहब, और राजा साहब, जाग जाइए, क्योंकि राजा साहब का मतलब होता है कि हर एक विधानसभा में एक राजा होता है और यही प्रजा उस राजा को विधानसभा भेजती है और अपने दुख सुख का बातें बताने के लिए विधानसभा भेजती है। लेकिन आज बोकारो जिले में हर एक विधानसभा में आवाम अपने दुख को लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचती है और सवाल पूछ रही है कि हमारा अनाज कहाँ गया, हमें क्यों नहीं चावल मिल रहा है, हमें क्यों नहीं गेहूं मिल रहा है। लेकिन इस पूरे जिले में राजा साहब खामोश हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राम नारायण शर्मा है। शर्मा जी, राजा साहब सोए हुए हैं लेकिन जनता प्रखंड कार्यालय पे आ रही है अपना अधिकार मांगने के लिए। क्या लगता है ये हाहाकार क्यों मची हुई है? जी बिल्कुल, हम जिन राजा साहब की बात कर रहे हैं कि सुबह सुबह भूखे रहकर भी लोग वोट देने पहुंच जाते हैं अपने अपने बूथों में, अपने प्रतिनिधि यानी राजा का चयन करने, ताकि जब भी उन्हें कोई तकलीफ होगी तो उस तकलीफ के दौर में सबसे पहले वही व्यक्ति, वही राजा साहब सबसे आगे खड़ा होंगे कि मेरे लोग कैसे कष्ट में हैं। लेकिन बोकारो की विकट परिस्थिति देख लीजिए, किसी भी विधानसभा की आप बात कर लीजिए, चाहे बोकारो विधानसभा की बात कीजिए, चंदन क्यारी की बात कीजिए, बैरमो की बात कीजिए, गोमिया की बात कीजिए या फिर डुमरी की बात कर लीजिए, सभी जगह लगभग यही तस्वीर आपको दिखेगी कि ग्रामीण दो दो महीने से जो सरकार द्वारा दी जा रही राशन है वो नहीं मिलने की लगातार शिकायत कर रहे हैं। और अब तो ये स्थिति आ गई है कि उन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रखंड कार्यालय का गेट का घेराव कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं नजर आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन राजा साहब, सबसे पहले बेरमो लेके चल रहा हूँ जहाँ पर कल ही एक घटना घटी है, सीधे चंद्रपुरा लेके चल रहा हूँ जहाँ पर वो जनता, वो मालिक जो अपना वोट देकर इन्हें राजा बनाती है, वो कैसे गुहार लगा रही है डीलरों के पास और कह रही है कि साहब हमारा वो अनाज आप दे दे। नहीं, आपका मीटिंग हुआ था कि नहीं, आपको वहाँ ऊपर से ऑर्डर हुआ था कि नहीं, कि आपको कटौती नहीं करना है? लोग का 1 किलो नहीं काटना। तो कितना में कितना काट रहे हैं राशन? जैसे मान लिया 20 केजी दे रहे हैं, उसमें नहीं काट रहे हैं।
किसमें काट रहे हैं? जो आधा मिल रहा है ना वही बोल रहे हैं, जैसा हमको राशन मिला वैसे हम बांट रहे हैं। तो मतलब है, हम 7 आदमी हैं, एक एक आदमी पर 2.5 किलो चावल मिला है। पर यूनिट 2.5 किलो क्या कहा? वहाँ तो बोला गया है सर। किसने कहा आपको? चंद्रपुरा में बोला गया है कि 2.5 किलो करके। चंद्रपुरा में किसने कहा आपको? हेमो साहब कौन? हेमो आदमी, क्या नाम है उनका? आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं ये बेरमो विधानसभा के चंद्रपुरा और बेरमो विधानसभा के तोटाडी गांव की है, जहां पर ग्रामीण लगातार अनाज नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन चंदन क्यारी विधानसभा से भी लगातार दो दो तस्वीरें आपने देखी होगी, जहां पर खुद दो दो पंचायत के लोग प्रखंड कार्यालय पहुंचते हैं और खुद प्रखंड कार्यालय के मेन गेट का घेराव करते हुए अनाज मांगते हैं। हमारे साथ चंदन क्यारी के रिपोर्टर चांद सागर माथा जी है। माथा जी, चंदन क्यारी में लोगों को अनाज नहीं मिलने की लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या कुछ कब से अनाज नहीं मिल रहा है वहाँ पर? शर्मा जी, ये बात तो सही है कि चंदन क्यारी में 2 महीना से अनाज बहुत ही नहीं मिल रहे हैं और प्रत्येक ग्रामीण परेशान है, और परेशान होने के कारण ब्लॉक ऑफिस, प्रखंड कार्यालय या एमओ के पास लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनका सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है, जिस कारण अभी जनता परेशान है और हर क्षेत्र में वो लोग लगातार गुहार लगाने के लिए अंचल घेराव कर रहे हैं, ब्लॉक घेराव कर रहे हैं, कार्यक्रम अभी तक करते हैं लेकिन कहीं तक सुनवाई नहीं हो रहा है। कार्यक्रम हो रहा है यानी घेराव हो रहा है। तत्पश्चात आप प्रखंड संचालक कार्यालय किस कारण आए हैं? आए हैं सर, चावल नहीं मिला है इसके कारण। कौन कौन सा महीना आपको चावल नहीं मिल पाया है? 2 महीना से चावल नहीं मिला है। कौन 10 किलो का एक बार चावल मिलता था, एक बार 5 किलो मिलता था, 10 किलो चावल आपको मिला है? नहीं है? नहीं। 5 किलो वाला आपको चावल मिला है? 5 किलो वाला मिला। 10 किलो आपको नहीं मिला है? 5 किलो मिल रहा था। उसमें कहीं कटौती वगैरह होता है? कटौती होता है। कटौती होता है, अच्छा। चलिए, इस सारी गतिविधि देखने के बाद दोषी किनको मानते हैं आप? किसको दोषी मान रहे हैं? लापरवाही किनका है? इसको नाराजगी प्रखंड का प्रखंड का सरकार का लापरवाही मानते हैं, दोषी उन्हीं को मानते हैं। अब लोग सड़क पर उतर चुके हैं अनाज मांगने के लिए। सोच लीजिए, सबसे जरूरी रोटी कपड़ा और मकान में, रोटी सरकार तो व्यवस्था करती है हिमांशु जी, लेकिन वही रोटी पता नहीं कहाँ गायब हो जा रही है बोकारो जिले में। अब हाहाकार मच चुका है बोकारो जिले में। यह हम नहीं कह रहे शर्मा जी, के हाहाकार मचा हुआ है। आप लगातार देख रहे हैं कि चंदन क्यारी का यह प्रखंड कार्यालय है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ कई पंचायत के लोग पहुंच रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमारा अनाज दे दो, साहब वो अनाज दे दो जो आदरणीय नरेंद्र मोदी हमें भेजते हैं, वो अनाज दे दो जो हमें आदरणीय हेमंत सोरेन भेजते हैं। लेकिन राजा साहब सुनते ही नहीं है। आखिर क्या हो गया है इन राजाओं को? लगता है इन प्रजा से अब राजाओं को डर नहीं लग रहा है, क्यों नहीं बयान आता है? राजा तो राजा, जिस क्षेत्र का महामंत्री भी खामोश है, महामंत्री का मतलब वहां का विपक्ष भी खामोश है। आप देख लीजिए किसी भी विधानसभा में, चाहे बोकारो हो, चंदन क्यारी हो, बेरमो हो, पब्लिक आवाम सड़कों पे है, वो मांग रही है, अखबारों में डेली तस्वीरें आ रही है कि आज इन्हें 2 महीने का अनाज नहीं मिला, कहीं 20 किलो चावल काट लिया जा रहा है, कहीं 2 किलो चावल काट लिया जा रहा है। क्या हो रहा है इस बोकारो शहर में? और कोई देखने वाला नहीं? सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप चंदन क्यारी की वो 2 तस्वीरें दिखाएं। कब से चावल नहीं मिल रहा है? 3 महीना। 3 महीना से हो गया। शिकायत कहीं की है? शिकायत किए थे? क्या बोला गया शिकायत से? बोला कि मिलेगा मिलेगा। कब से ऐसा घटना घट रहा है? अभी तो 3 महीना से ही हो रहा है। कितना चावल मिल रहा था आपको जिला प्रशासन से? हमको चावल दीजिए।
अच्छा, बात सिर्फ चंदन क्यारी विधानसभा तक ही सीमित नहीं है, पेरमा विधानसभा के कई क्षेत्रों से लगातार ग्रामीण उग्र होते नजर आ रहे हैं, अनाज मांग रहे हैं। हमारे साथ इस समय खुद जो पेरमा विधानसभा क्षेत्र के शुभम कुमार रिपोर्टर है मौजूद है। शुभम जी, तोताडी के लोग मुखिया के पास पहुंच गए अनाज की शिकायत लेकर। जी, हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं, कई स्थानों से ये शिकायतें आ रही कि उन डीलरों के द्वारा लोग जो ग्रामीण हैं उनसे अनाज मांग रहे हैं कि साहब हमारा अनाज दे दी। कई पदाधिकारियों के पास भी उन्होंने गया, पर ये अनाज की गुहार खत्म ही नहीं हो रही, अनाज मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल अनाज नहीं मिल रहा है, अब ये अनाज जा कहाँ रहा है ये तो अधिकारियों पदाधिकारियों को पता लगाने की जरूरत है और सख्त जरूरत है। ऐसा नहीं है कि केवल बेरमो और चंदन क्यारी में ही हाहाकार मचा हुआ है, बोकारो विधानसभा में भी हाहाकार मचा हुआ है। बोकारो विधानसभा के भोंडरो पंचायत में करीबन दो महीने से अनाज नहीं मिलने पर डीलरों के घर पहुंच रहे हैं ग्रामीण। हमारे साथ बात करने के लिए ग्रामीण रिपोर्टर भोला महतो है। क्या हो रहा है भोंडरों में, क्यों यहाँ पे भीड़ लगी हुई है? कुछ दिन पहले से हम लोग देख रहे हैं कि भंडरों के कुछ ग्रामीण को भंडरों पंचायत के ग्रामीण काफ़ी परेशान रह रहे हैं। परेशान रहने का मतलब यही है कि उन लोग का कि दो महीने से अनाज नहीं दिया जा रहा। जब उन लोग ग्रामीण सब उठ के जा रहे हैं चावल मांगने के लिए, जहां से चावल उठाया जाता कोटा से, तो उनका कहना है कि चावल नहीं देंगे, आपको जो करना है वो कर सकते हैं, मेरा पहुँच है, ये उन लोगों का कहना है जो डीलर है। तो वही शिकायत लेके ग्रामीण गए थे, ग्रामीण एसडीओ के पास कि ऐसा ऐसा हो रहा, हम लोग को दो महीने से अनाज नहीं मिल रहा, हम लोग जा रहे हैं अनाज के लिए, तो आज नहीं देंगे कल नहीं देंगे, मतलब दिन ठहरते जाता है। कोटा वाला धमकी देता है, आशुतोष उरांव धमकी देता, जो करना कर लेना जाओ। भी हम लोग को कम से कम दो तीन महीना होने जा रहा कब बोल रहा है कि देंगे आज देंगे कल देंगे, करते करते आज तीन महीना ठेल दिया। कोटा वाला तो बोल रहा है कि अभी हम लोग नहीं देंगे। कोई लेडीज आ रहा है आपको चावल दीजिए, मेरे घर में चावल नहीं है, तो बोल रहा है कि जाइए जो करना है कर लीजिएगा। तो सुना ना आपने, ग्रामीण हाहाकार मचाए हुए हैं, पत्राचार कर रहे हैं, एसडीओ को कोई पत्र लिख रहा है, कोई डीएसओ मैडम के पास पहुंच रहा है। जब इसी तरह की समस्याएं बढ़ी तो हम डीएसओ मैडम के पास पहुंचे और उनके पास अपने सवालों का पिटारा खोला और पूछा कि मैडम साहब आखिर अनाज जा कहां रहा है, जरा सुनिए डीएसओ मैडम क्या कहती है। लेकिन हर रोज अभी अखबारों में चंद दिन से शुरू हो गया है कि दो महीने का राशन नहीं मिला। कभी चंदन क्यारी से आवाज आती है, कभी बोकारो विधानसभा से आवाज आती है, अब बेरमो विधानसभा से लगातार आवाज आ रही है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम तो है हम लोग के साथ। अगस्त का वितरण तो हमारे यहाँ 89% हो गया है, सितंबर का वितरण में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम लोग अनाज अभी उठाव कर लिए हैं, अब हम लोग डीएसजी कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हुआ कि जो हमारा पीएमजीकेवाई का सितंबर से 2022 से दिसंबर का जो अनाज था एवं मार्च 2023 का कटौती अगस्त में की गई और अप्रैल की कटौती सितंबर में की गई, इस कारण से ये कटौती ऐसा है कि ये अनाज स्टॉक में डीलरों के पास उपलब्ध बताया गया है और उसके तहत एसआईओ जनरेट होने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब हमारा एसआईओ जनरेट हो चुका है और हम लोग इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं और हम लोग इसको सभी जनता को वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। बोकारो में एक चंदन क्यारी विधानसभा है जहां लेकर हमेशा चर्चा होती है कि यहां गांव के लोगों को अनाज नहीं मिल पाता। कहा जाता है कि गोडाउन से अनाज बंगाल भेज दिया जाता है लेकिन गरीबों के घर नहीं पहुँच पाता है। ऐसा मामला तो अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और अभी हम लोग चाहेंगे, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि सभी गरीबों को अनाज मिल जाए और सितंबर का अनाज हम लोग दिलवाएंगे।
अब आप समझ गए होंगे कि एमओ साहब काहे परेशान है, आप समझ गए होंगे कि डीलर साहब काहे परेशान है, आप समझ गए होंगे कि डीओसओ मैडम काहे परेशान है, आप समझ गए होंगे कि आवाम क्यों परेशान है, आप समझ गए होंगे कि राजा साहब का खामोश है। शर्मा जी, मैडम ने साफ तौर पर कहा है कि अनाज हमने टाइम से भेजा है, जिन लोगों के जिन डीलरों के पास शॉर्ट हुआ है उन्हें कम अनाज दिया गया है, यानी कि उन्होंने अनाज की चोरी की है, आज उन्हें वो अनाज भुगतान के रूप में देना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत में, ये जो लगातार शिकायत बोकारो जिले में आ रही है इस पर कोई कोताही जिला प्रशासन बरतने नहीं जा रही है, और हर हालत में जिला प्रशासन, ये जो बड़ा घोटाला है बोकारो जिले में, सबसे बड़ा अनाज घोटाला, उसकी जांच करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई डीलरों के साथ जो भी इस घोटाले में शामिल होगा उस पर कार्रवाई करेगी, चाहे कोई भी हो। लेकिन जिन राजा साहब की बात है उन्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आपकी आवाम है, आप प्लीज आगे आइए, इस समय नहीं आइएगा तो कब आएगा, क्योंकि आप देख चुके हैं कहीं बोकारो जिले के सुदूर ग्रामीण का कोई व्यक्ति भुखमरी का शिकार ना हो जाए। तो सुना ना राजा साहब, नाराज मत होइए, ये आपके आवाम है, ये आपके लोग हैं जिन्होंने आपको वोट देकर विधानसभा में बैठाने का काम किया है, आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जैसे ही बेरमो के सीओ को इस बात की पता चलती है और लोग उन्हें टेलीफोन करके जब पूछते हैं कि साहब डीलर कहता है कि आपने अनाज कम दिया है, तो सीओ साहब ने साफ तौर पे कहा है कि आधा किलो भी अनाज कम लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर डीलर कहता है कि उसे अनाज नहीं मिला है तो वो झूठ कहता है, उसे अनाज देना ही होगा। इसी तरह लोग सड़कों पे घूमते रहेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे कि राजा साहब निंद्रा तोड़ कर उनके साथ आएंगे। अब देखने की बात होगी कि जनता की जीत होगी कि राजा की जीत होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन भोलक साथ जीपी मानसू।